नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धौलाधार अपडेट्स इस चैनल को। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में जो है एचपी अलाइड सबॉर्डिनेट सर्विसेज का जो है एग्ज़ाम हुआ है आज 9 फरवरी 2020 को। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में जो आंसर की है वो बताएंगे। तो इसमें जो भी आंसर बताए जाएंगे वो 100% एक्यूरेट आंसर होंगे, इसमें कोई भी गलती के चांसेस नहीं हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के जो है सभी एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि ये वीडियो का जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली जो है आंसर मैच कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सीरीज़ बी का जो पेपर है उसको सोल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो पर जो है जरूर एंड तक देखें, और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने 60 क्वेश्चन जो है कवर कर दिए थे, तो इसमें जो है हम 61 क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो 61 का जो राइट आंसर है बी। साइनेप्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62। लुइस पाश्चर जो है वाज एसोसिएटेड विद, तो 62 का जो राइट आंसर है ये सी, द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड, तो 63 का जो राइट आंसर है ये बी, मई 22 का जो है ये वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है ऑब्जर्व्ड। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को, तो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 64 का जो राइट आंसर है सी, O3, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, तो 65 का जो राइट आंसर है सी, राइट आंसर है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो जिंक को जो है हम जो फूड कैंस होते हैं उसमें कोट नहीं करते हैं जिंक को, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव होता है, वो टिन जो है लेस रिएक्टिव होता है, तो करके हम जो है टिन को ही इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका पीएच होगा। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू होती है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है 7 होती है, और जो रेड लिटमस होता है वो 0 होता है। रेड लिटमस जो आपने देखना हो 0 से स्टार्ट होकर, और 10 पीएच जो है वो ब्लू लिटमस की होती है। तो जो रेड होता है ये एसिडिक होता है, और जो ब्लू होती है ये बेसिक होता है। तो जो 0 होती है वहाँ पे जो है डार्क रेड कलर जो है होता है पीएच वैल्यू में, तो यहाँ पे जो है 0, 7, 10, तो यहाँ पे जो है ब्लू कलर होगा और यहाँ पे जो है रेड कलर होगा। तो इसमें इन्होंने बताया है ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, तो इसमें बता रखा है इन्होंने कि जो लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है, तो लाल जो है वो नीला कर देता है, तो इसका मतलब हुआ पीएच 10 जो है इन्होंने राइट ऑप्शन जो है डी राइट ऑप्शन है, जैसा कि तो ब्लू हो जाएगी, जो लाल लिटमस है वो ब्लू हो जाता है, तो वो पीएच 10 होगी। तो इन्होंने पीएच पूछी थी कि जो लाल से लिटमस जो है नीला कर देता है तो उसकी पीएच कितनी होगी, तो 10 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो में जो है हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन रह गए थे थोड़े उनके बारे में हम बताएंगे, और साथ में जो है मॉडर्न हिस्ट्री
और हो सके तो एचपी जीके का पार्ट भी हम इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। तो 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी। तो 67 ये इजी क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा कि हाईएस्ट वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की होती है। तो नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच वन ऑफ हिज थ्योरीज। तो जो आइंस्टाइन को जो है निम्न में से उनके किस सिद्धांतों के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 68 का जो राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। 69, सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 69 का राइट आंसर है सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन को जो है कहाँ से एनर्जी मिलती है, सूर्य को ऊर्जा निर्मित में किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो मैं इस वीडियो में जो है आंसर जो है इंग्लिश में ही बताऊंगा, तो जिसको हिंदी में पढ़ना हो वो वीडियो को जो है पॉज करके आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को और आंसर को, क्योंकि इस पेपर में जो है बोथ लैंग्वेजेस में जो है इन्होंने दिया हुआ था पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द जाइलम इज प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो वनस्पतियों में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं 70 का जो राइट ऑप्शन है ए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी के परिवहन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जो है कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, तो ए कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ सेल। तो 72 का जो राइट आंसर है इसका बी राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द इंडियन अ शेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 73 का जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द गवर्नर जनरल ओनली नॉट द विसरॉय। तो 74 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, व्हेन डिड द अल्कालीज टेक द की ऑफ द गोल्डन टेंपल एट अमृतसर एंड अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर। तो 75 का राइट आंसर है बी 1921। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेपर ऑफ अनेबिसंत। तो इसका जो राइट आंसर है 76 का, निम्नलिखित में से एनेबिसंत का समाचार पत्र कौन सा था। तो 76 का राइट आंसर है डी, कॉमन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अनुसुईया बेन वन ऑफ द गांधीजी मेन लेफ्टिनेंट वाज द सिस्टर ऑफ। तो 77 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है अंबाला साराभाई। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर वाज टू टेक अप द केस ऑफ प्रिजनर ऑफ द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो 78 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है एमसी चंगल। 79 का, ऑफ द फॉलोइंग हु रिप्रेजेंटेड द अनटचेबल इन द शिमला कॉन्फ्रेंस कन्वेंटेड बाय द लॉर्ड वेवल इन 1964। तो 79 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है, शिवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, अंडर हूज प्रेजिडेंटशिप द फर्स्ट सीजन, जो फर्स्ट सीजन ऑन द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएटेड वाज हेल्ड 1914। तो 80 का राइट आंसर है ए आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 81, हु प्रेसिडेड ओवर द अमृतसर सीजन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस इन 1919। तो 81 का जो राइट आंसर है ए मोतीलाल नेहरू। 82 क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वेयर वाज ओपन द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन इन 1916। तो 1960 में जो है फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ पर ओपन किया गया था। तो 82 का जो राइट आंसर है डी दिल्ली में। 83, ऑफ द फॉलोइंग हु रोट अ कमेंट्री ऑन द बाइबल। तो
83 का जो राइट आंसर है सी, शायद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, वेयर वॉज द सेंटर ऑफ द अहमदियाज इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो 84 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है रब्बाह। 85, वेन वॉज द कन्या महाविद्यालय फाउंडेड इन जलंधर बाय द आर्य समाज। तो 85 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है 14 जून 1896 को जो है आर्य समाज जलंधर जो है फाउंड किया गया था आर्य समाज के द्वारा। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फेरियाजी मूवमेंट। तो 86 का जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है, इट्स लीडर प्रीच्ड इन पर्शियन एंड उर्दू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिमूव्ड बैन ऑन द मिशनरीज टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड ग्रांटेड रुपीज 1 लाख फॉर एजुकेशन। तो 87 का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, व्हेन एंड वेयर वाज ओपन्ड द फर्स्ट फीमेल स्कूल इन पंजाब। तो 88 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है इन 1856 एट रावलपिंडी जो खोला गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो 89 का जो राइट आंसर है बी जॉन स्मार्ट। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द जमती इस्लामी। तो 90 का जो राइट ऑप्शन है सी, इट ब्रॉट आउट 4 पीरियडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ हिंदू महासभा। 91 का जो राइट ऑप्शन है तो इसका बी राइट ऑप्शन है लाला हरदयाल। 92, द नामधारी लीडर जो नामधारी लीडर बाबा राम सिंह वाज द डिसिप्लिन ऑफ। 92 का जो राइट आंसर है बी बालक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इन नाउ यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो 93 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द फॉलोइंग फैक्टर वाज नॉट कंसीडर्ड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन इन डिटरमाइंड द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल। तो 94 का जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है बी डेमोग्राफिक चेंजेस। 95, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2017 वाज इज द परसेंटेज कवरेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो 95 का जो राइट आंसर है डी राइट आंसर है 21.54। 96, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB इन इंडिया। तो 96 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द 5 year प्लान वॉज टर्मिनेटेड अ ईयर बिफोर फॉर इट्स सॉरी टू इट्स ओरिजिनल टर्म। तो 97 का जो राइट आंसर है बी 5th प्लान। 98, ग्रोस फिस्कल डिफेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन फाइनेंस्ड बाय। तो 98 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है 1st and 3rd आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशन वाइड सोल जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम एट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है बी, 99 का बी राइट आंसर है 3rd ओनली। तो चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 100, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 100 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विद दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, विच 5 year प्लान इन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट गैप इन टर्म ऑफ ग्रोथ रेट बिटवीन द सर्विस सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो 101 का जो राइट आंसर है सी 9th प्लान। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको
लाइक जरूर कर दें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, और सेटिंग को जो है ऑल पर जो है आप सेट कर दें, ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। क्योंकि इस जो HP लाइट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 3 जो कि HP GK का होगा, तो उसकी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ये जो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री तक जो है आज कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट भी जो है हम आज ही नेक्स्ट वीडियो बनाकर जो है डाल देंगे पार्ट 3। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ना वेस्ट करते हुए, 102 फिफ्थ साउथ एशिया रीजन पब्लिक प्रिक्योरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। तो 102 का जो राइट आंसर है बी न्यू दिल्ली। 103 विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हैज कॉज्ड डीके ट्रैप फॉर्मेशन इन इंडिया। तो 103 का जो राइट ऑप्शन है बी फ्लड। 104 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। तो 104 का जो राइट आंसर है डी देव प्रयाग। 105 क्वेश्चन रिवर आइसलैंड मंजोली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो 105 का जो राइट आंसर है सी ब्रह्मपुत्र। 106 सतलुज रिवर राइजेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। तो 106 का जो राइट आंसर है इसका बी राइट आंसर है राक्षस ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो 107 का जो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है सिरसा रिवर। तो इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली जो इन्होंने बता रखा था कि नहीं है, तो कई कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे जो है पढ़ते नहीं हैं कि इन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी है, तो इन्होंने जो है वो नोट नहीं देखते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वो है सिरसा रिवर, सिरसा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस। तो इसका राइट आंसर जो है 108 का बिहार। 109 नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड एट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है कहाँ पर है। तो 109 का जो है बी हैदराबाद में है राइट आंसर है। 110 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो 110 का जो है बी राइट आंसर है लिग्नाइट। ये दो क्वेश्चन जो है पहले भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में जो है आ चुके हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ें, क्योंकि इन पे जो है कन्फ्यूजिंग रहते हैं कि चेन्नई जो रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है कई कैंडिडेट्स जो हैं चेन्नई करके आए होंगे, और जो ब्राउन डायमंड जो है माइका भी करके आए होंगे कई अभ्रक। तो नेक्स्ट 111 क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो 111 का जो राइट आंसर है ए है उड़ीसा। 112 अमंगेस्ट द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इन पंजाब ए राइट आंसर है। 113 भोपाल गैस डिजास्टर इज अ काइंड ऑफ। 113 का जो राइट आंसर है बी मैन मेड डिजास्टर। 113 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 क्वेश्चन जो है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जो है 114 का बी आरडी ओल्डहम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 115 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज हेडेड बाय। तो 115 का जो राइट आंसर है बी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 द भोपाल जो भोपाल गैस स्ट्रेटजी अकर्ड इन कब हुई थी भोपाल गैस डिजास्टर। तो 116 का जो राइट आंसर है सी 1984। 116 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज। तो 117 का जो राइट आंसर है बुश फायर।
तो 118, विच इज़ द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया, तो जो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हिमाचल प्रदेश में कौन सा है सबसे ज़्यादा। 118 का जो राइट आंसर है सी, राइट आंसर है हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल। 119, द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, तो 119 का जो राइट आंसर है बी, चीफ मिनिस्टर सी एम। 120, साइक्लोन्स अकर्ड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड, 120 का राइट आंसर है बी, तूफान। 121, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज, तो 121 का जो राइट आंसर है ए है इसका, मुनालो इन हवाई। 122 क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा जो है मापी जाती है, तो 122 का जो राइट आंसर है ए, राइट आंसर है मॉडिफाइड मार्केली स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो 123 का जो राइट आंसर है ए, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। 124, इन आर्टिक आइस इन रिप्लेस्ड बाय डेंस फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू टेक प्लेस, 124 का जो राइट आंसर है ए, एक्सेलेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 125, हु अमंग दीज इज अवार्डेड चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2019 बाई UN एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो 125 का जो राइट आंसर है बी, कैस्टा रिका। 126 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल इन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, तो इसका राइट आंसर है 126 का राइट आंसर जो है बी, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 127 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबल वाटर रिसोर्स एंड द ह्यूमन डिमांड फॉर इट, तो 127 का राइट आंसर जो है सी, वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इन एन आइसलैंड द बायोडाइवर्सिटी इज, तो 128 का जो राइट आंसर है बी, हाई। 129 क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द वन दैट इज अ लीस्ट लाइकली टू कॉज अ डिजीज इन, 129 का राइट आंसर जो है सी, पेरेस्टिक वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, विच अमंग दीज इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज, तो 130 का जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी है, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 130 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, एज पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बाय UNDP रिपोर्ट 2017, इंडिया स्टैंड एट अ ग्लोबल रैंक ऑफ, 131 का जो राइट आंसर है सी, 127 राइट आंसर है। 132 क्वेश्चन, हु अमंग दीज एन इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, तो 132 का जो राइट आंसर है बी, अनिल कुमार अग्रवाल। 133, अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज रिटन, तो इसका जो राइट आंसर है 133 का जो राइट आंसर है ए, नागपुर सेशन 1920, नागपुर सेशन 1920 जो है राइट आंसर है 133 क्वेश्चंस का ए ऑप्शन। 134, हु गेव जॉन रस्किन बुक ऑन टू द लास्ट टू गांधी जी, 134 का जो राइट आंसर है सी, 134 का सी राइट आंसर है, हेनरी पोलोक। 135, आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आइडेंटिफाई द आर्टिकल विच हैव द स्कोप ऑफ द गांधियन प्रिंसिपल, तो 135 का जो राइट आंसर है इसका डी राइट आंसर है, आर्टिकल्स 40, 47 एंड 48। 136, इन द ओपिनियन ऑफ गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, 136 का जो राइट आंसर है म्यूचुअल डायलॉग। 137, व्हेन वाज द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ फाइनली बाय गांधी जी, तो 137 का जो राइट आंसर है डी, 1934।
138 popularly known as Mirabai and staunch disciple of Gandhiji was sent to Delhi to apprise the viceroy about the Congress working committee resolution of the quit India movement. What was her real name? 138 का राइट आंसर जो है डी मिस लेड. 139 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ गांधी जी पीस प्राइज. तो 139 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर है जूलियस नेरेरी. 140 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गांधी जी. तो 140 का जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है ही बिलीव्ड इन द मैक्सिमा ऑफ दैट गवर्नमेंट इन द सॉरी इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट. तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का. तो 140 क्वेश्चंस तक जो है हमने क्वेश्चन कवर कर दिए हैं एचपी सबॉर्डिनेट अलाइड का जो एग्ज़ाम हुआ है आज. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें और ऑल पर जो है सेटिंग को सेट कर दें ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ पार्ट 3 जो होगा तो उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके. तो पार्ट 3 जो होगा वो एचपी जीके का जो है पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एचपी जीके जो है मिल जाएगा. तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को. और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. जय भारत जय हिमाचल.